उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ की अल्मोड़ा जिले की हॉट सीट माने जाने वाली सल्ट विधानसभा सीट के नतीजे चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना ने, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट रणजीत रावत को चुनाव में हार का मुंह दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से महेश जीना पर फिर से दांव लगाया था, जो कि कामयाब भी हुआ। रणजीत रावत को एन वक्त पर सल्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लिहाजा सल्ट आकर के चुनाव लड़ना रणजीत सिंह रावत को भारी पड़ गया। इस सीट की बात करें तो उसकी विधानसभा क्षेत्र की सीमा गढ़वाल मंडल और कॉर्बेट पार्क से मिलती है। जिला मुख्यालय अल्मोड़ा से ये सीट काफी दूर है। यहाँ पर ग्रामीण आबादी ज्यादा है और यहाँ पर आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर नहीं है, साथ ही रोजगार के मौके भी यहाँ कम है। यही कारण है कि यहाँ पर पलायन सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग रोजगार के लिए यहाँ से दूसरे शहरों की ओर रुख कर लेते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस के रणजीत रावत को यहाँ की जनता बेहद पसंद करती है। वो यहाँ पर विधायक की कुर्सी पर भी बैठ चुके हैं। 2012 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सुरेंद्र सिंह जीना को उतारा था और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। बात 2017 के चुनाव की करें तो विधायक के तौर पर जीना ने यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ऐसे में बीजेपी ने इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया, इस सीट से उतारा था। जीना ने पार्टी का भरोसा कायम भी रखा और फिर इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने दिवंगत विधायक के बड़े भाई महेश जीना को यहां से मैदान में उतारा। महेश जीना को भी लोगों ने समर्थन दिया और वो जीत गए। महेश जीना ने कांग्रेस के गंगा पंचोली को उस वक्त हराया था और यहाँ पर पहली बार विधायक की कुर्सी हासिल की थी। आपको बता दें, ये राजपूत बाहुल सीट है और यहाँ पर चुनाव नतीजों में राजपूत का अहम रोल रहता है। इसके अलावा ब्राह्मण, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं। ये सभी चुनाव के दौरान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 1 लाख के बराबर है। रिपोर्ट, रायशुमारी।